आज का जो क्लास होगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्लास में स्टार्ट किया हुआ था उसका लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है, या लास्ट क्लास होने वाला हम लोग का। इसमें हमने दो मेथड पढ़ा था, एक था तुम्हारा कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड, एक था तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आज थर्ड वाला मेथड है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ये क्या होता है, देखो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे इजी वाला मेथड है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं हम लोगों, ठीक है, एकदम इजी मेथड है, एक बार में वन क्लिक में समझ आ जाने वाला है। अब देखो ये मेथड में क्या होता है, देखो द इलास्टिसिटी कैन बी मेजर बाय टेकिंग ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इस मेथड में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा, इसका एक एक पॉइंट में हम लोग क्या कर सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकता है। मत समझ में आना, इसी को क्या बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, तुम्हारा होगा ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब देखो क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व है ना, इसका पॉइंट में हम लोग इलास्टिसिटी निकालता है, ठीक है, मेनली इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस कैलकुलेटेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। अब देखो कैसे होगा, इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा जो तुम लोग को आना बहुत जरूरी है। इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये होना चाहिए, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब कैसे होगा ये समझना, देखो ये देख रहे हैं ना, ये डिमांड कर्व है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, क्वांटिटी डिमांड है, ज्यादा नहीं बोला ना, एक्स आपको अच्छा से बोला, एक्स एक्सिस इमन, तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिमांड इजीली कैलकुलेट कर सकता है। देखो कैसे होगा, थोड़ा सा कटता है, छोटा दिखाई दे रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना। देखो अब कैसे होगा, कैसे हम लोग का डिमांड निकालना है, फॉर्मूला क्या, हम लोग का लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर डिवाइडेड बाय अपर, फॉर्मूला दिमाग में डाल लो, लोअर डिवाइडेड बाय अपर। सबसे पहले निकालता हम लोग इसमें पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, किसमें पॉइंट ए, दिख रहा है ना, पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है ये निकालना है। देखो पॉइंट ए पे अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है वो निकालना है। सबसे पहले बात है लोअर सेगमेंट मतलब 1 2 3 4, लोअर सेगमेंट कितना हो गया तुम्हारा 4 है, अपर सेगमेंट में कुछ है क्या, और ऊपर लिख देंगे, सॉरी लोअर सेगमेंट में कितना तुम्हारा 1 2 3 4 है, क्या अपर सेगमेंट में कुछ है, अपर सेगमेंट में कुछ नहीं, अपर सेगमेंट क्या हो गया तुम्हारा 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 से 4 में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा इनफिनिटी। तो ये तुम्हारा इलास्टिसिटी, देखो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है तुम्हारा इनफिनिटी है, हालांकि ये 4 नहीं लिखना, एक ऐसे लिखा जाता है, बता देता है, जैसे कि देखो कैसे होगा तुम्हारा पॉइंट ए से लेकर ए बी, ये क्या होगा तुम्हारा लोअर सेगमेंट में ए बी और ऊपर में क्या है 0, तो क्या होगा तुम्हारा इनफिनिटी है, क्या तुम्हारा इस तरीके से लिखना होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत पॉइंट में समझ में है, तो ए बी से लेकर कहां तक, ए बी से कितना है तुम्हारा 0 से लेकर इनफिनिटी होगा, ये पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा इनफिनिटी, बात समझ में आया। अब निकालते हम किस पे, पॉइंट डी पे, किस पे डी पे, अब निकालेगा पॉइंट किस पे डी पे, किस पे डी पे ना, पॉइंट निकालेगा हम डी पे, ठीक है, डी पे कितना होगा ये बता रहा है, देखो पॉइंट डी क्या है तुम्हारा पॉइंट डी, अब ये तुम्हारा क्या है पॉइंट डी, इसमें इलास्टिसिटी कितना, ये देखो सबसे पहले लोअर सेगमेंट चाहिए, लोअर सेगमेंट क्या होगा तुम्हारा डी से लेकर बी तक, मतलब क्या होगा तुम्हारा डीबी, डीबी से कितना होगा 1 2 3, है ना, ऐसे लिख के रखते हैं समझ में ज्यादा आएगा हम लोग को 3, ठीक है, और तुम्हारा अपर सेगमेंट में क्या है तुम्हारा एडी, क्या तुम्हारा एडी मीन्स कितना तुम्हारा 1, तो आंसर इसका क्या आएगा 1 से डिवाइड करेगा कितना आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा, जब ये देखो 1 से 3 ज्यादा ये नहीं है तो इलास्टिसिटी क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब क्या है मोर इलास्टिक, ये है ना, तो इलास्टिसिटी क्या तुम्हारा इसमें तुम्हारा इलास्टिसिटी है तुम्हारा ग्रेटर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक, बताया था ना मोर इलास्टिक, ठीक है, ये इलास्टिक समझ में है बस, ठीक है मोर इलास्टिक, इसमें क्या है तुम्हारा परफेक्टली
क्या तुम्हारा इन्फिनिटी कब जाता है, तुम्हारा इन्फिनिटी कब होता है? फिर नेक्स्ट देखो तुम्हारा ये हो गया पॉइंट डी जिसमें इलास्टिक क्या है तुम्हारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालेगा हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्या निकालेगा हम लोग सी पॉइंट क्या निकालेगा सी सी तुम्हारा क्या है तुम्हारा देखो सी में क्या तुम्हारा ए सी क्या तुम्हारा ए सी और तुम्हारा क्या तुम्हारा सी बी क्या देगा तुम्हारा सी बी ए सी में कितना है लोअर सेगमेंट वन टू टू है और इसमें लोअर सेगमेंट टू अपर सेगमेंट में क्या तुम्हारा टू तो लोअर सेगमेंट टू हो गया अपर सेगमेंट में कितना हो गया टू तो इलास्टिसिटी कितना होगा वन हो गया वन मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन क्या हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल टू समझ में आया बात कोई दिक्कत ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट क्या आपका ई पॉइंट ई पे इलास्टिसिटी कैसा होगा तो देखो पहले होगा लोअर सेगमेंट फॉर्मूला क्या है लोअर सेगमेंट कितना हो गया तुम्हारा लोअर सेगमेंट ई से लेकर ई ए मतलब ए ई ए में कितना है तुम्हारा वन टू थ्री समझ में आया बात फिर ए टू से अपर सॉरी उल्टा लिख दिया फॉर्मूला सी बी है ये तुम्हारा कितना है तुम्हारा टू था ठीक है। अब देखो पॉइंट ई में क्या था तुम्हारा अपर सेगमेंट क्या है वन टू थ्री अपर सेगमेंट है तुम्हारा ए ई अपर सेगमेंट क्या है तुम्हारा ए ई अपर सेगमेंट समझ रहे हो ना ऊपर वाला क्या तुम्हारा ए ई ए ई क्या था तुम्हारा वन टू थ्री ये हो गया थ्री और लोअर सेगमेंट क्या है तुम्हारा वन लोअर सेगमेंट कितना है तुम्हारा वन तो लोअर सेगमेंट हो गया तुम्हारा ई बी चाहे बी ई कितना है तुम्हारा वन तो इलास्टिसिटी क्या है तुम्हारा वन से कम होगा वन से कम होगा तो क्या होगा तुम्हारा इलास्टिसिटी इज लेस देन वन समझ में बात वन ज्यादा इलास्टिसिटी इसमें कम है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा पॉइंट बी पे कितना है तो पॉइंट बी तो पॉइंट निकालना है हमको बी में तो देखो सबसे पहले चाहिए लोअर सेगमेंट में क्या पॉइंट बी में कुछ भी है जीरो कुछ भी है नहीं है अपर सेगमेंट में वन टू थ्री फोर मतलब अपर सेगमेंट क्या तुम्हारा बी ए बी ना तो इसमें क्या होगा इलास्टिसिटी तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा जीरो क्या हो जाएगा समझ में आया बात। इस तरीके से इस पॉइंट में हम लोग इलास्टिसिटी क्या कर सकता है कैलकुलेट कर सकता है किसमें पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड में समझ में आया बात कोई दिक्कत है लिख लो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का ये है कि कौन कौन सा फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है ठीक है कौन कौन सा फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है ये नेक्स्ट हम लोग का बात है। सबसे पहले बात होगा तुम्हारा देखो पहला क्या तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर ए कमोडिटी फॉर ए पर्सन बी नेसेसिटी और देखो सबसे पहला होगा कि नेचर ऑफ कमोडिटी पहला क्या तुम्हारा हम डायरेक्ट फ्लो में बिगड़ गया पहला क्या तुम्हारा नेचर ऑफ कमोडिटी सबसे पहले एक नेचर ऑफ कमोडिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है। अगर मान लो ऐसा हो गया अगर आइटम क्या है तुम्हारा अगर आइटम तुम्हारा लग्जरी है क्या तुम्हारा लग्जरी है या कंफर्ट है जो कंफर्ट जोन के लिए मैं यूज करता है या लग्जरी आइटम यूज करता है तो इसको अगर मान लो इसका प्राइस बढ़ गया तो इसको लेगा हम लोग नहीं लेता है लेकिन अगर इसका प्राइस जहां पे घटेगा ज्यादा लेगा ही नहीं लेगा हा? तो इसमें इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन वन होगा नहीं होगा इलास्टिसिटी क्या होगा वन होगा मोर इलास्टिक होगा समझ में आया बात ठीक है। फिर देखो यहां लिखा पॉइंट नंबर वन पढ़ना व्हेन ए कमोडिटी इज नेसेसिटी अगर कमोडिटी तुम्हारा क्या है नेसेसिटी है क्या है तुम्हारा अगर कमोडिटी क्या है तुम्हारा नेसेसिटी है लाइक फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स मेडिसिन एक्सेट्रा इट्स डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक अगर मान लो आज के डेट में फूड ग्रेन्स या दवा का दाम बढ़ भी जाए तो क्या हम लोग खाना छोड़ देगा नहीं होगा ना तो इस टाइम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करेगा तो इलास्टिक डिमांड क्या हो गया तुम्हारा इन इलास्टिक क्या हो गया तुम्हारा डिमांड प्राइस के चेंज होने पर भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है हो रहा है ना प्राइस घटो या बढ़ो मतलब नहीं है डिमांड पे चेंज तो इलास्टिसिटी क्या होगा इन इलास्टिक होगा क्या होगा तुम्हारा बताया था ना पहले भी बताया था नहीं बताया था अगर मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है लेकिन कमोडिटी का डिमांड जहां का तहां है वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा तुम्हारा डिमांड क्या होता है तुम्हारा इन इलास्टिक होता है क्या होता है तुम्हारा इन इलास्टिक बताया था ना या नहीं बताया था पिछली बार बताया था इसमें इलास्टिसिटी क्या तुम्हारा लेस इलास्टिक क्या तुम्हारा लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक ठीक है इट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन देखो यहां में क्या तुम्हारा जनरली इलास्टिक एज इट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एंड इट्स
डिमांड डज नॉट इन्फ्लुएंस मच विद द चेंज इन द प्राइस। अगर प्राइस में चेंजेस भी होगा तो इसका डिमांड चेंज होने वाला नहीं है, जितना रहेगा उतना तो रहना ही है। बात समझ में आया बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट एक देखो पॉइंट नंबर टू, व्हेन ए कमोडिटी इज कंफर्ट लाइक फैन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा इफ इट इज इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक। अगर मान लो कि जैसे कि मान लो कि फ्रिज हो गया या एसी फ्रिज हो गया या फैंस वगैरह हो गया, देखो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग खरीदेगा नहीं, लेकिन जहां पे प्राइस घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, खरीदता है नहीं खरीदता है, ज्यादा डिमांड करता है तो क्या हो गया, इलास्टिसिटी क्या हो गया तुम्हारा, मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन वन। बात समझ में आया बात? क्या हो गया इलास्टिसिटी यहाँ पे, इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन वन। इस केस में इलास्टिसिटी क्या था तुम्हारा, लेस देन वन। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट, व्हेन ए कमोडिटी लाइक लग्जरी लाइक एसी डीवीडी प्लेयर एक्सेट्रा इस डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक, इस केस में भी क्या होगा, मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर कंफर्ट, इसमें भी क्या होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है देखो भाई, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, देखो ये बात समझना, देखो द टर्म ऑफ लग्जरी इज रिलेटिव एज अ टर्म ऑफ एनी आइटम लाइक एसी मे बी लग्जरी फॉर ए पुअर पर्सन बट इज नेसेसरी फॉर द रिच पर्सन। अगर मान लो जो रिच पर्सन है उसके लिए एसी एक नेसेसरी गुड है, नेसेसरी गुड है या नहीं है? अगर उस टाइम में एज ए अमीर पर्सन है, अमीर आदमी है, अगर उस टाइम एसी का दाम बढ़ भी गया, जैसे कि एसी का दाम मान लो 50,000 है, उस टाइम अगर 55,000 हो गया तो अमीर आदमी सोचेगा क्या, खरीद लेगा, तो उस टाइम डिमांड क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन एज ए पुअर पर्सन अगर हम एसी कब लेगा, जब मेरा दाम घटेगा तब लेगा, उस टाइम डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक। देखो पुअर के हिसाब से सोचेगा तो डिमांड मोर इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन वन होगा। लेकिन अमीर के हिसाब से सोचेगा तो तुम्हारा क्या होगा, इलास्टिसिटी कुछ है नहीं, क्या हो गया, इन इलास्टिक, मतलब लेस देन वन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है हमें, बोलो दीदी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है? फिर देखो नेक्स्ट है तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। अगर मान लो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पेप्सी एंड क्या था तुम्हारा, कोको कोला, पेप्सी और कोको कोला, घर वाली और बाहर वाली, ठीक है। अगर मान लो आज के दिन में अगर पेप्सी का दाम बढ़ जाएगा, पेप्सी का दाम, हम लोग कोको कोला का डिमांड बढ़ा रहता है, मतलब इसमें क्या हो गया, मोर इलास्टिक है या नहीं है? अगर एक का प्राइस बढ़ा था दूसरा का डिमांड बढ़ा दिया, मतलब मोर इलास्टिक है, मतलब अगर घर वाली नखरा करे तो बाहर वाली के पास चला जाओ, कहानी ऐसा है नहीं है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा। समझ में बात? ठीक है, फिर नहीं हम नहीं करेगा ऐसा, हम नहीं करेगा ऐसा। फिर देखो समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज विथ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल बी अवेलेबल। देखो अगर किसी भी गुड्स का सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसका डिमांड क्या होता है, मोर इलास्टिक, मतलब इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि अगर इसका दाम बढ़ा तो उसका पास वो सामान हम खरीद लेगा, ऑप्शन है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो गया कोई ऐसा कमोडिटी है जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, उसका तुम क्या करेगा, वही तुमको खरीदना पड़ेगा, अगर उसका इधर प्राइस भी बढ़ेगा तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा, तो उस टाइम इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो गया, लेस इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा, लेस देन वन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद द लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक, द रीजन इज दैट इवन ए स्मॉल राइज इन प्राइस विल रिड्यूस द बायर टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल ए राइज इन द प्राइस ऑफ द पेप्सी एनकरेज टू बायर्स टू बाय कोको बाय कोक एंड वाइस वर्सा। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, thus the availability of the close substitute makes the demand sensitive to change in the price, on the other hand the commodity with a few or no substitute like wheat and salt have less price of elasticity of demand। samajh mein aaya baat? agar salt ho gaya ya tumhara jo aata ho gaya wheat wagera iska koi close substitute hai nahi, ye to chahiye hum log ko, to is time iska dam bore ya more usse koi matlab nahi hai, lena to padega, to inelastic ho gaya। phir dekho income kya hai tumhara next, देखो इनकम तीन तरीका का होता है, क्या क्या तरीका का, तीन, एक होगा तुम्हारा हाई, एक होता है हाई, एक होता है मीडियम, एक होता है तुम्हारा लो। लो मतलब देखो मीडियम में हम लोग आता है, मीडियम में कौन आता है, हम लोग आता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मीडियम में हम लोग आता है। एक होता है हाई,
हाई में सिर्फ जन्नत आता है, ठीक है, अरे एक होता है लो, लो में सिर्फ हम आता है, मीडियम में तुम लोग, लो में हम, हाई में जन्नत आता है, ठीक है, आप उसको भी हाई में आता है, ठीक है, समझ में बात, हाई में दो आता है, लो में हम आता है, मीडियम में तुम लोग आता है, ठीक है। अब सुनो कहानी, अब सुनना, अगर मान लो इनकम से, इनकम के हिसाब से सोचेगा, अगर अगर हम हाई पर्सन, मतलब हम रिच पीपल है, मेरा इनकम बहुत ज्यादा है, अगर मान लो उस टाइम में गुड्स का दाम कुछ भी होगा, हमको कोई मैटर करता है, हम वो खरीदेगा, मतलब उस टाइम में डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, मतलब डिमांड क्या होगा तुम्हारा, लेस देन वन हो जाएगा, समझ में आया बात। अगर मीडियम क्लास है तो उसमें क्या होगा तुम्हारा, उसमें डिमांड मोर इलास्टिक होता है, मीडियम जो मिडिल क्लास होता है वो क्या सोचता है, अगर प्राइस थोड़ा सा गिरेगा ना तुम ज्यादा सामान को खरीद लेगा, ऐसा होता ही नहीं होता है, तो उस टाइम में डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक, क्या होगा तुम्हारा, मोर। और जो पुअर पीपल होगा, अगर मान लो आज के डेट में वीट का दाम या राइस का दाम अगर बढ़ भी गया, तो इन लोगों को खरीदना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ना, हम तो खरीदेगा ही ना, तो उस टाइम में दाम बढ़ो या घटो मैटर नहीं करता है, खरीदना तो पड़ेगा, मतलब लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, क्या होगा तुम्हारा, इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन वन, मतलब हाई के केस में, लो के केस में इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा, लेस देन वन, और मीडियम के केस में क्या होगा इलास्टिसिटी, मोर देन वन, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है ना, नहीं है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी जनरली लेस लेस फॉर द हायर इनकम लेवल्स ऑफ ग्रुप इज कंपैरिजन टू पीपल विद द लो इनकम, इट हैपेंस बिकॉज रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस मच चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स, बट poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for the lower income is highly elastic. क्या होता है तुम्हारा? Elastic होता है, ठीक है? जिसका income कम होता है उसके लिए demand क्या होता है? Highly कम होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेगा, ठीक है, बात समझ में आया बात, आप पीपल जो रिच होता है उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, पैसा है तो खरीदो, हाँ पैसा तो क्या होगा, टेंशन थोड़े ना है, अभी मान लो कि हमको एक कपड़ा भी लेना होगा तो सोचना पड़ेगा कि भाई महीना में इतना कमाता है, अगर एक कपड़ा ले लिया तो बजट हिल जाएगा, सोचना पड़ता है, हाँ सोचना पड़ता है, नहीं बिग बिलियन डे में भी कोई मतलब नहीं है, सोचना फिर भी सोचना पड़ेगा, हाँ सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वही जो रिच होगा, पैसा बहुत ज्यादा होगा, क्या सोचना, भाई पुष्प को देख लो, सोच मोबाइल खरीद लिया, एस 22 अभी लेके, हाँ क्या हम लोग भी 40,000 का मोबाइल, कहाँ भाई बात क्या बोल, छोड़ो फिर नेक्स्ट करो, लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ मतलब सिंपल, लेवल ऑफ इनकम मतलब अगर इनकम, देखो इनकम दो तरीके से होगा, एक लोअर पीपल होगा, एक तुम्हारा क्या होगा रिच पीपल होगा, अगर रिच पीपल के हिसाब से, अगर रिच पीपल होगा तो इनकम उसका ज्यादा होगा, अगर इनकम ज्यादा होगा तो प्राइस में चेंजेस भी होगा तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो खरीदेगा ही, लेकिन जो लोअर पीपल होगा, लोग सोचता है ना प्राइस घटेगा तो सामान खरीदेगा, उसमें डिमांड मोर इलास्टिक, इसमें डिमांड लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, समझ में बात, डिमांड इन इलास्टिक, आया समझ में, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा लेवल ऑफ प्राइस, अगर मान लो प्राइस बढ़ रहा है, अगर मान लो अगर रिच पीपल के हिसाब से सोचो, अगर रिच पीपल के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा तो उन लोग सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो उन लोग उस समय डिमांड क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक, लेकिन मिडिल क्लास के हिसाब से सोचेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग सामान नहीं खरीदेगा, पोस्टपोन कर देगा, क्या कर देगा, हाँ, फिर जो तुम्हारा मान लो कि जो पुअर पीपल है उस टाइम में गेहूं का दाम वीट का दाम बढ़ गया तो हम लोग क्या करेगा, उसको तो लेना तो पड़ेगा, नेसेसिटी है, तो उस टाइम में डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक, देखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आई बात, देखो लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्टली गुड लाइक लैपटॉप प्लाज्मा क्या प्लाज्मा टीवी दे हाईली इलास्टिक एज देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन देयर प्राइस, हाउएवर द डिमांड इज इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक नीडल मैचबॉक्स एक्सेट्रा इन इलास्टिक एज ए इन द प्राइस सच गुड डू नॉट चेंज देयर डिमांड बाय द कंसिडरेबल अमाउंट, अगर मान लो मैचबॉक्स है, मैचबॉक्स समझता है ना, हाँ मैचबॉक्स हो गया, सोल्ट हो गया, इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो होता है, अगर इसमें चेंज भी हो गया तो कौन सा फर्क पड़ता है, लेना तो है, हाँ प्राइस चेंज भी होगा तो लेना तो है, डिमांड तो करेगा, इसमें डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि अगर लैपटॉप का या टीवी का दाम बहुत ज्यादा तो लो मत, पोस्टपोन कर दो, बाद में लिया जाएगा, समझ में ना भाई, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, अभी देखो पोस्टपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर मान लो सुनना मेरा बात, जिस गुड्स का कंजम्पशन हम लोग पोस्टपोन कर सकता है उसका डिमांड मोर इलास्टिक होगा, जिस गुड्स का पोस्टपोन हम लोग नहीं कर सकता है उसका डिमांड इन इलास्टिक होगा, समझ में बात, जैसे कि डेली खाने वाला नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेड्स, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकता है, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा भी तो खरीदना तो पड़ेगा, तो ऐसा कुछ पोस्टपोन कर सकता है,
नहीं कर सकता है हाँ। नहीं तो एक तो ऐसा इंसिडेंट है ना कि मान लो दो फ्रेंड है, मान लो कि देखो दो फ्रेंड है हाँ, दो फ्रेंड है मान लो भाई, इसका तो बाल ही नहीं आ रहा है, जैसा गायब हो गया है, अच्छा सा बनाना पड़ेगा ठीक है। ठीक है ये मान लो जन्नत है, ये कौन है जन्नत है ठीक है, ये मान लो स्निग्धा है भाई ठीक है, हाँ ये बाल बना दिया ठीक है। अब ये दोनों मस्त स्कूटी में जा रहा है ठीक है, यार स्कूटी चलो जन्नत गाड़ी ले लिया, लोड़ी बन गया ना गाड़ी ले लिया, तो देखो ये दोनों गाड़ी में जा रहा है ठीक है, दोनों इसमें बैठा हुआ है, ये बाल उड़ रहा है देख रहे हैं ना, दोनों घोड़े दोनों जा रहा है गाड़ी में ठीक है। अब क्या हुआ गाड़ी में जाते जाते एक पेड़ इसको दिखाई नहीं दिया जन्नत को, लड़की लोग ऐसे भी पेड़ और दिखाई नहीं देता, एक्सचेंज करते रहता है ठीक है, तो दिखा दिया था जन्नत यहाँ पे फिका है और स्निग्धा यहाँ पे गिरा है, दोनों गिर गया है, लेकिन जन्नत गाड़ी चला रहा था तो उसको ज्यादा चोट लगा है, आज स्निग्धा को उतना चोट नहीं लगा है ठीक है। स्निग्धा मतलब होश में नहीं नहीं स्निग्धा हो चलो चलो आए देखो यहाँ पे सुनना आए सुनो स्निग्धा का होश है आए सिग्ना का होश है ठीक है, और उसका होश में नहीं है, वो पूरा बेहोश है अभी ठीक है, वो चला रहा था ना गाड़ी हाँ, तब क्या हो गया स्निग्धा उसको हॉस्पिटल लेके गया, इसको इसको हॉस्पिटल लेके गया ठीक है, तुम्हारा जन्नत को। अब हॉस्पिटल में जाके उस टाइम में रात का समय होता 2-3 बजे रहा था, उस टाइम में मेडिसिन का दाम ज्यादा बोला मेडिसिन का दाम हाँ, तो क्या सिग्ना मेडिसिन पोस्टपोन कर सकता है क्या ना, प्राइस प्राइस घटेगा तो बढ़ेगा, उसको उस तरह बढ़ा देगा उसको वहां पे तस्लीम तो देखो कहानी देखो अरे कहानी समझना क्या हो रहा है असमाज सप्तमी चुप। तो क्या होगा उस टाइम में, ऐसा तो नहीं करेगा उस टाइम में, इसको मेडिसिन तो लेना पड़ेगा, पोस्टपोन कर सकता है क्या, पोस्टपोन नहीं कर सकता, तो उस टाइम में डिमांड क्या हो जाएगा इन इलास्टिक, और हम लोग जो भी मान लो टीबी वीबी को जो भी टीबी है तो सबको हम लोग डिमांड क्या कर सकते हैं, अगर आज के डेट में मोबाइल फोन का दाम ज्यादा है तो हम लोग नहीं खरीदेगा, वीक बिलियन सेल का इंतजार किया कि हाँ कम होगा तो हम लोग मोबाइल फोन तो खरीदेगा, पोस्टपोन कर सकता है तो डिमांड मोर इलास्टिक, पोस्टपोन नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक। समझ में आया कोई दिक्कत, नंबर ऑफ यूजेस नेक्स्ट क्या तुम्हारा नंबर ऑफ यूजेस, अगर मान लो नंबर ऑफ यूजेस अभी नेक्स्ट बात है तुम्हारा नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस के हिसाब से भी डिमांड में वेरी करते रहता है ठीक है, इसे समझना अरे नंबर ऑफ यूजेस सुनना देखना हाँ, अगर किसी चीज का नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत तरीका से कर सकता नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत तरीका से करेगा ही नहीं करेगा, देखो नंबर यूज पे भी डिमांड टिका रहता है, देखो इफ द कमोडिटी अंडर द कंसिडरेशन हैज सेवरल यूज, क्या है उसका सेवरल यूज है ठीक है, देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक, उसका डिमांड क्या है तुम्हारा इलास्टिक है ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इंक्रीज, अगर सच कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया इंक्रीज हो जाएगा, देन इट्स जनरली पुट टू ओनली मोर अर्जेंट यूज, मतलब एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी मान लो आज को बोर्ड बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का दाम क्या हो गया बढ़ा दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी होता ना तो हमें क्या करेगा पंखा वंखा कम करने यूज करने स्टार्ट कर देगा, जहां में इलेक्ट्रिसिटी घटा और बढ़ाओ हाँ, एसी लियाओ वो लियाओ वो लियाओ सबको लियाओ हाँ, घर में बैठाओ वर्ल्ड कप दिखाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाओ, ऐसे ना होगा समझ में आ ना भाई हाँ। तो देखो जिस कमोडिटी का यूजेस बहुत ज्यादा होगा ठीक है, मल्टीपल यूजेस है तो उसका डिमांड इलास्टिक होता है ठीक है, और जिस कमोडिटी का उतना नहीं होता है तो उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है, उतना यूजेस नहीं है। यहाँ कोई लिखा हुआ है when the price fall then use for the satisfying even less urgent needs and demand rises for the, for example samajhna electricity is a multiple use commodity, electricity ek multiple use commodity hai ne, isme bahut sara commodity ko use kar sakta hai theek hai, fall its price agar iska price ghat gaya will result is a substantial increase in its demand theek hai, particularly in those use like ac heat हीटर क्या है तुम्हारा कन्वेक्टर एक्सेट्रा ठीक है, वेर इट वाज नो एम्प्लॉयड फॉर द फॉर्मली ड्यू टू इट्स हाई प्राइस, ऑन द अदर हैंड ए कमोडिटी विद फ्यू एंड अल्टरनेटिव यूजेस इसका इलास्टिसिटी क्या होता है लेस इलास्टिक होता है, क्या होता है तुम्हारा समझ में बात लेस इलास्टिक, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है क्या बोल बोल क्या दिक्कत है। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, क्या तुम्हारा शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ये समझना ठीक है, देखो पोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम इज स्पेंड ऑन ए पार्टिकुलर कमोडिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
greater proportion of income spent on the commodity is more elasticity of demand and its vice versa. देखो ऐसे इनकम मतलब ऐसे मान लो कि जो कंज्यूमर खर्चा करता है ना, खर्चा पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, टिका रहता है। अगर हम किसी भी गुड्स पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा खर्चा करता है तो उसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। और किसी भी गुड पे खर्चा हम कम करते ना तो क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। समझ में बात, ये लिखा हुआ है समझना, देखना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखो डिमांड फॉर गुड लाइक सोल्ट नीडल सोप मेसबुक एक्सेट्रा टेन टू बी इनइलास्टिक। क्या है तुम्हारा इनइलास्टिक, एज ए कंज्यूमर स्पेंड ए स्मॉल पर्सन, इनकम का छोटा हिस्सा ही ना इसमें खर्चा होता है तुम्हारा, ठीक है, ऑफ देयर इनकम सच एज गुड्स। व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड्स चेंज द कंज्यूमर कंटिन्यू टू परचेस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ दिस गुड। अगर प्राइस कमेगा भी तो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स से ही हम लोग क्या करने वाला है, परचेस करने वाला है, ठीक है। हाउएवर इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी इज द लार्ज देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी इलास्टिक। टाइम पीरियड पे भी डिमांड क्या होता है, डिपेंड रहता है। अगर मान लो कोई भी गुड्स फेवर, देखो टाइम पीरियड मतलब समझना, टाइम पीरियड पे भी डिमांड डिपेंड रहेगा। अगर देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी ए डे वीक और मंथ और ए ईयर या ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड, डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन इट हैपेंस बिकॉज द कंज्यूमर फाइंड इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर हैबिट इन द शॉर्ट टर्म। देखो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड, देखो अगर मान लो, देखो सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि एक मेरा बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहा है समझना, अगर मान लो एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, अब पूजा का टाइम है तो वर्कर सब चला गया, घर चला जाता है, तो उस टाइम हमको बिल्डिंग जैसे भी कंप्लीट करना है तो उस समय वर्कर चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमको बिल्डिंग एकदम जल्दी कंप्लीट करके उसको देना है, वो बोल रहा है बार बार कंप्लीट करके देना है, ठीक है, तो शॉर्ट टाइम क्या है, कम है। उस टाइम अगर लेबर को ज्यादा भी पैसा देना पड़ेगा कोई मतलब बनता है, हम लोग क्या करेगा, लाना तो पड़ेगा। चाहे मान लो कि जब मान लो कि अभी मान लो कि तुम लोग बेंगलोर में मुंबई में ऐसे में क्या होता है, तुम्हारा एक पीक पीरियड होता है, पीक पीरियड समझता है, जब मान लो कि प्राइस बहुत, मान लो कि ऑफिस से हमको मतलब घर से ऑफिस जाना है, घर से कहाँ पे जाना है, ऑफिस जाना है, कहाँ जाना है, घर से ऑफिस जाना है लेट सपोज, तो उस टाइम में अगर मान लो कि हम लोग को जल्दी जाना पड़ता है ऑफिस, तो उस टाइम अगर जो टैक्सी वाला होगा वो ज्यादा भी पैसा लेगा तो हम क्या मना करेगा, ना भाई ले लो तुमको जल्दी पहुंचा दो। शॉर्ट टाइम में तो डिमांड क्या है, इलास्टिक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो डिमांड इलास्टिक है, बस यही समझाना था, समझ में बात। फिर हैबिट्स पे भी डिमांड क्या होता है, डिपेंड रहता है, क्या होता है तुम्हारा, डिपेंड रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारा जो हैबिट्स है जैसे कि मान लो सुट्टा मारने का, पीने का हैबिट्स है, उस टाइम अगर मान लो उसका प्राइस बढ़ भी गया तो डिमांड में कुछ असर नहीं है, डिमांड में कुछ असर नहीं है, इनइलास्टिक, क्या तुम्हारा इनइलास्टिक। देखो कमोडिटीज विच हैव बीन बिकम द हैबिचुअल नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, इट बिकॉज द सच कमोडिटी बिकम्स नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर्स ही कंटिन्यूज परचेस इवन इट्स प्राइस राइजेस, लाइक एल्कोहल, टेबेको, सिगरेट्स एक्सेट्रा, आर सम एग्जाम्पल ऑफ द हैबिट्स ऑफ द कम्युनिटी, मालूम है ना। तो ये सब का डिमांड मालूम है ना, अभी देखा ना लॉकडाउन जब हुआ था तो क्या हुआ था, गुटखा मिल नहीं रहा था, तो उस समय गुटखा 15-20 रुपए में बेचा रहा था, याद ही होगा ये हम लोग का प्रेजेंट कंडीशन। हाँ अभी भी हुआ था, सितंबर में भी कहानी ऐसा होता कि एक्चुअली तो गुटखा बेंडी कर देना चाहिए, झमेला ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगा, वही कहानी है तुम्हारा, समझ। हाँ तो उसको मालूम है, खाते है क्या तुम, हाँ उसके घर पे खाता है, मैं बोल दो ये सब अच्छा बात नहीं है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, अब फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू से विच पर्टिकुलर फैक्टर और कॉम्बिनेशन फैक्टर डिटरमाइन द इलास्टिसिटी, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केसेस। अभी नेक्स्ट देखो भाई, आ गया बड़ा क्वेश्चन, एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया भाई, मैच है ना आज को इंडिया पाकिस्तान का, भाई आज कंप्लीट करके 2 बजे मैच है, उससे पहले कंप्लीट हो जाए, नहीं नहीं आज तो हमने भाई एक घंटा क्लास कंप्लीट होना चाहिए, उससे मैटर नहीं करता, उससे मैटर नहीं है, क्लास कंप्लीट होना चाहिए। देखो पहला तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर वन में देखो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये भी करना बहुत जरूरी है। लात में बोलेगा भैया आप तो न्यूमेरिकल्स कराया ही नहीं है तो किसी होगा, तो भैया पहले करा देता है ये समझा दो, एक कराया है, 3 एग्जाम्पल है, 3 तरह का क्वेश्चन आता है, तीनों बताना पड़ेगा ना, नहीं कराया था, एक कराए थे, चलो नेक्स्ट देखो।
जितना जल्दी तुम लोग बोलेगा, ओए दीदी फटाफट देखो आप, हाँ देखो अभी हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था, हाँ ये फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला था हम लोग का, क्या फॉर्मूला था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ये भी फॉर्मूला हम बोला भी था। देखो देखो नेक्स्ट देखो एग्जांपल देख रहा है, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, ये तुम्हारा है ओल्ड वाला, कौन सा वाला, ये वाला है न्यू वाला, ठीक है ये ओल्ड है ये तुम्हारा क्या है न्यू है, प्राइस ओल्ड में 5 था क्वांटिटी कितना था 50 था, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी घट गया, हम बता दो ना या तो इससे माइनस करो या इससे माइनस करो कोई मतलब नहीं है, इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव ही होता है और रिलेशनशिप कैसा होता है नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, तो इसमें फॉर्मूला में माइनस भी होगा तो कोई बात नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन दिखाता है मतलब नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा चेंज ऑफ पी, पी में कितना चेंजेस आया तो 10 से माइनस कर दो 5, कितना आया 5 पॉजिटिव, फिर आया चेंज ऑफ क्यू, क्यू में कितना चेंज आया 50 से माइनस कर दो 40, नेगेटिव साइन को इग्नोर माना, बोला था ना, बोला था कि नहीं, तो कितना होगा तुम्हारा 10, ओरिजिनल प्राइस कितना था 5, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, कितना था ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल क्वांटिटी 50 था या नहीं था, अब फॉर्मूला में जस्ट पुट करना हम लोग का, इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या था हम लोग का चेंज ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ये था या नहीं था फॉर्मूला में, ये था या नहीं था, अब डालो चेंज ऑफ क्यू कितना हमारा, चेंज ऑफ क्यू कितना है, चेंज ऑफ क्यू है तुम्हारा 10, चेंज ऑफ पी कितना हमारा 5 है, पी कितना है 5 है, फिर कितना है तुम्हारा 50 है, कितना है तुम्हारा 50 है, तो 1 कट दो किया तो कितना बचेगा 1/5 मतलब 1/5 मतलब 0.2, कितना होगा तुम्हारा 0.2, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ है टेंशन नहीं है दिखा देता है, कितना आंसर तुम्हारा 0.2, समझ रहे ना, देख रहा ना ये वाला, हाँ क्या तुम्हारा देख रहा, ये देखो ये था ना पी कितना था तुम्हारा, चेंज ऑफ क्यू कितना था तुम्हारा 10 था, चेंज ऑफ पी कितना था तुम्हारा 5 था, ये कितना था तुम्हारा 5/50 था, ये था ये नहीं था, तो काटेगा तो 1 जैसे किया 5/5 किया, ठीक है तो 1/5 बचा, 1/5 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 0.2, मतलब ये 1 से क्या है कम है, तो कम है तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस इलास्टिक, समझ में, मतलब इलास्टिसिटी तुम्हारा क्या होगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, समझ में बात, दिक्कत है दिक्कत है, लेस इलास्टिक दिक्कत, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख रहा है, यही वो एग्जांपल है, देखो इसमें क्या हो गया है, इसमें देख रहा है प्राइस दिया हुआ है, ये है तुम्हारा ओल्ड वाला, ये तुम्हारा कौन सा वाला है न्यू वाला, प्राइस है 10, फिर प्राइस कितना हो गया 5, क्वांटिटी है 50, फिर क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है, मतलब क्वांटिटी क्या है यहाँ पे गायब है, क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, ये लॉजिक ये नहीं है, नया टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो देखो सबसे पहले चेंज ऑफ, पहले तो ओरिजिनल प्राइस देखता है, पी कितना है, पी कितना है तुम्हारा 10, क्वांटिटी कितना है तुम्हारा 50, फिर चेंज ऑफ पी कितना हो गया तुम्हारा 5, चेंज ऑफ क्यू मालूम ये निकालना है हम लोगों को, ये क्या करना हमको निकालना है, तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करेगा, ठीक है जस्ट फॉर्मूला में क्या करना वाला हम लोग पुट करने वाला है, ठीक है, और इसमें याद रखना इसमें देख रखा हुआ है इलास्टिसिटी, इसमें क्या तुम्हारा इलास्टिसिटी कितना देख रखा हुआ था 2, ये लिखना भूल गया हम, ये क्या होगा नीचे में लिख के रखा हुआ है इलास्टिसिटी क्या होगा तुम्हारा, नहीं नहीं इसमें इलास्टिसिटी नहीं है सॉरी, ठीक है इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, इसमें बस क्या निकालना तुमको क्वांटिटी निकालना है, ठीक है तो देखो कैसे होगा तुम्हारा, क्या निकालना हमको इलास्टिसिटी निकालना है, क्या निकालना हमको इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले फॉर्मूला में डालो चेंज ऑफ पी, चेंज ऑफ क्यू कितना तुम्हारा, चेंज ऑफ क्यू मालूम नहीं है, नहीं 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 ये तो बड़ा चेंज ऑफ क्यू दिया नहीं है, इसमें चेंज ऑफ क्यू दिया नहीं है, इसमें तुम्हारा चेंज ऑफ क्यू दिया हुआ, हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा इलास्टिसिटी, क्या तुम्हारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या 2 है, मतलब ये एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 में प्राइस है 10,
क्वांटिटी है 50, प्राइस हो गया 5, क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी पता नहीं हमको, क्वांटिटी निकालना है। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना देकर रखा हुआ है, 2 देकर रखा हुआ है पहले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला है। तो बस हम लोग का इलास्टिसिटी कितना देकर रखा हुआ है, 2 ये देकर रखा हुआ है। चेंज ऑफ क्यू पता नहीं है, पी पता है क्या, पी कितना है तुम्हारा, चेंज ऑफ पी 5 है, क्या पी पता है 10, फिर ये क्या तुम्हारा 50, कितना है 50 है ना, 15 है, 50 है, चलो हो गया। उसका बस नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ क्या होगा, चेंज ऑफ क्यू कितना होगा 10, इसमें कितना होगा तुम्हारा, इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो काट दो, तो तुम्हारा नीचे होगा 25, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ओके एक मिनट काट देते हैं इसको, एक मिनट को इसको काट देते हैं, एक मिनट को, समझ में ना बात, ये देखा ना इलास्टिसिटी 2 है, चेंज ऑफ क्यू पता नहीं है, निकालना है, प्राइस था, चेंज ऑफ प्राइस कितना था 5, पी था 10 और क्यू था 50, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई किया था, चेंज ऑफ क्यू बचा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कितना ही नहीं, कितना नहीं 25, अब 25 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीधा कर देगा, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, चेंज, देखो ये क्या निकलेगा, चेंज ऑफ क्यू इज इक्वल टू 50 क्या निकल गया, चेंज ऑफ क्यू, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं खत्म है, देखो अब चेंज ऑफ क्यू कितना निकला हम लोग का 50, ये निकला, अभी देखो आंसर फाइनल हम लोग का आया नहीं है, क्योंकि देखो प्राइस, जब यहाँ पे प्राइस घट रहा है ना, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो 50 + 50 मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझ में बात, ये लॉजिक था इसमें करने का, समझ में बात। लास्ट वाला देखो क्या हुआ, लास्ट वाला में क्या है, एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें इलास्टिसिटी कितना देके रखा हुआ है, 2% चेंज इन प्राइस कितना है 20%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, फॉर्मूला था ना, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखकर कितना रखा हुआ है, क्यूडी तो पता नहीं है, चेंज इन क्यूडी पता है क्या, नहीं है, लेकिन प्राइस में कितना है 20%, इलास्टिसिटी कितना है 2 है, तो चेंज ऑफ क्यूडी कितना निकल गया तुम्हारा 40%, बात खत्म, जट से ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म, क्या हो गया तुम्हारा ये चैप्टर हो गया खत्म। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे करता है समाप्त, मिलता है हमारे नए वीडियो में, ठीक है।